वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमण। मुखड़े को देख कोटि चंदाल जाए, घुंघरारी लट पे घटाएं वारी जाए। या के जादू भरे दो नयन, सखीरी मेरो राधा रमण। छीन ले हंस के सब काय मन, सखीरी मेरो राधा रमण। जय श्री राधे। जय श्री राधे। क्या आपका शुभ नाम? मेरा नाम दीनबंधु शरण शर्मा है। आप क्या करते हैं? मैं भागवत आचार्य हूँ। अच्छा, आप भी भागवत आचार्य हैं? जी, वेद पार्टी हूँ, बेंगलोर में वेद पढ़ाऊंगा। अच्छा, बेंगलोर से वेद पढ़ा। अच्छा, थोड़ा सा हमारी जो युवा पीढ़ी है, आप चूंकि युवा है, लेकिन कहा जाता है कि जैसे दूसरे धर्मों से हम कंपैरिजन करें तो बचपन से ही बच्चों को अपने धर्म ग्रंथों की शिक्षा दी जाती है। हिंदुओं में है कि हैरी पॉटर को पढ़ाया जाता है, हैरी पॉटर की कहानियाँ बताई जाती है, लेकिन आपने वेद को चुना, क्यों? मैं बचपन से ही सत्संग करता था, इस कारण तो बच्चों को अभी सत्संग की आवश्यकता है। ये कहें, क्योंकि अभी क्या है, बच्चे लोग कहाँ गेम में घुसे रहते हैं, कहाँ कहाँ के गेम चल रहे हैं अभी। बच्चे लोग गेम में घुसे हुए हैं, माताएं लोग नाटकों में घुसी हुई हैं, और नाटक में इतना नाटक होता है क्या बताएं। अभी इतने सुंदर सुंदर सत्संग होता है, आस्था चैनल, इतने चैनल अभी, सोशल मीडिया इतनी सुंदर है, तो माताएं लोग अच्छा सत्संग सुन सकती हैं, बच्चे कथा सुन सकते हैं। माताओं को, बच्चों को कथा में लगाना चाहिए, और फिर बाद में माताएं बोलती हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं, या तो गलती किसकी है? माताओं की गलती है ना। अगर बचपन से ही बच्चे को अच्छे से, अब पौधा है, पौधे को अगर टेढ़ा हो रहा है तो उसको मतलब लकड़ी लगाएंगे तो सीधा होगा बचपन से ही, तो जब पेड़ हो जाएगा तब उसको सीधा करने से फिर क्या फायदा, वो होगा ही नहीं। इसलिए सत्संग की बहुत आवश्यकता है, और वृंदावन में तो क्या बताएं आपको, राधे राधे। तो है कहां से आप प्रॉपर? मैं भोपाल से हूँ। अच्छा, मध्य प्रदेश से? जी, मध्य प्रदेश। तो आपके मध्य प्रदेश में एक वेदांग संस्थान बन रहा है? जी, जानकारी है? अभी जानकारी नहीं, मैं वृंदावन में ही रहता हूँ। क्या है कि अब वृंदावन छोड़ने का मन नहीं होता है। अच्छा, तो आप यहीं के हो गए? जी, यहीं का हो गया। तो कुछ भागवत के बारे में बताइए दर्शकों को, क्या बताना चाहिए जी? आप कुछ श्लोक बताइए, जैसे आपकी आवाज है जो काफी मधुर है, प्रेम वात्सल्य आपका ये वाणी है, तो इसको लेकर आपको ये कैसा कुछ काव्य सुनाइए, कुछ भागवत से रिलेटेड कुछ ऐसा जो पढ़ा है अपने। जो हमें तो बस यही कहते हैं कि अब परम सत्य भगवान है, और सत्य की ही शरण लेना चाहिए। ये जो सारा संसार है असत्य है। हम अगर समुद्र में एक सींक डालेंगे और उस सींक को उठाएंगे, और वो जो बूंद चिपका रहेगा, वो जो सुख है वो संसार का सुख है, और जो समुद्र है वो भगवान का सुख है। लोग वो छोटा सा बूंद के पीछे पड़े हुए हैं, ये संसार के सुख में पड़े हुए हैं, और अंत में दुख ही प्राप्त होता है। और इसलिए दिल लगाना है तो ठाकुर जी से ही लगा लो, और क्यों दूसरे में भटक रहे हो। छीन ले हंस के सब का ये मन, सखीरी मेरो राधा रमण। मुखड़े को देख कोटि चंदाल जाए, घुंघरारी लट पे घटाएं वारी जाए। या के जादू भरे दो नयन, सखीरी मेरो राधा रमण। छीन ले हंस के सब काय मन, सखीरी मेरो राधा रमण। बाके बिहारी लाल की जय हो। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क, और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।